हाँ तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बल तथा गति के नियमों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज जितने भी यातायात के साधन हैं वो सभी न्यूटन के गति के नियमों पर ही आधारित हैं। इसलिए इस अध्याय का अध्ययन करना हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो हम न्यूटन के गति के नियम जानते हैं। दोस्तों, गति के नियम जानने के लिए हमको बल के बारे में पूरी जानकारी होना अति महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सबसे पहले बल क्या होता है उसको समझते हैं। किसी वस्तु को धक्का लगाना या फिर किक मारना बल कहलाता है। इसी प्रकार किसी वस्तु को दबाना या फिर खींचना भी बल कहलाता है। दोस्तों, हम बल को न्यूटन में मापते हैं। यह इकाई सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में रखी गई है। दोस्तों, अब हम संतुलित और असंतुलित बल में अंतर समझते हैं। संतुलित बल, आपको पहले चित्र में दिखाया गया है कि दो आदमी एक रस्सी को समान ताकत से खींच रहे हैं, इसलिए रस्सी की गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और इसी कारण हम कहते हैं कि रस्सी पर संतुलित बल काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप दूसरे चित्र को देखें तो पाएंगे कि डिब्बे पर दो विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, लेकिन उनके परिमाण असमान है। इसके कारण डिब्बे की गति में परिवर्तन होगा और इसीलिए हम कहते हैं कि डिब्बे पर असंतुलित बल काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, बल को समझने के बाद अब हम गति के नियम समझते हैं। दोस्तों, अब हम न्यूटन की गति के प्रथम नियम, जिसको जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, को समझते हैं। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, और अगर वो गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आप सभी ने ताश के पत्ते और सिक्के वाला एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा। इसमें जब आप ताश के पत्ते को हल्का सा धक्का देते हैं तो सिक्का ताश के पत्ते के साथ न जाकर गिलास में गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ताश का पत्ता एकदम चिकना होता है, इस कारण सिक्के को कोई बल मिलता ही नहीं है और कोई बल ही नहीं लग रहा है, तो सिक्का ताश के पत्ते के साथ क्यों क्षैतिज अवस्था में गति करेगा? तो इस कारण वो गिलास में गिर जाता है। दोस्तों, अगर किसी वस्तु पर एक से ज्यादा बल लग रहे होते हैं तो उसकी गति का अध्ययन करने के लिए हम उस वस्तु पर परिणामी बल निकालते हैं। मान लो किसी वस्तु पर दो बल थीटा कोण पर काम कर रहे हैं तो इनका परिणामी बल एफ नेट रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 × F1 × F2 × cos थीटा के बराबर होता है। परिणामी बल को समझने के बाद अब हम गति के द्वितीय नियम को समझते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर काम कर रही सभी बाहरी बलों के परिणामी बल के बराबर होती है। यहाँ पर संवेग, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, का मान m × V होता है। m वस्तु का द्रव्यमान और V वस्तु का वेग होता है। अब हम द्वितीय नियम की गणितीय व्याख्या करते हैं। dP/dt जो कि संवेग में परिवर्तन है, का मान F नेट के बराबर होता है। dP/dt m × dV/dt के बराबर होता है, और dV/dt मतलब वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जो कि त्वरण होती है। तो m × a इक्वल टू
एफ नेट। तो यहां से हमको एक बहुत ही अच्छा रिलेशन मिल गया, एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें एक 100 किलो की वस्तु को दो आदमी विपरीत दिशा में एक 6 न्यूटन और दूसरा 3 न्यूटन से धक्का दे रहे हैं। हमें इस वस्तु का त्वरण निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वस्तु पर परिणामी बल का परिमाण निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों बल विपरीत दिशा में मतलब 180 डिग्री के कोण पर हैं, तो परिणामी बल का मान बड़े बल में से छोटे बल को घटाने से मिल जाएगा। तो परिणामी बल का जो परिमाण होगा वो 3 न्यूटन होगा। अब न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें जानते हैं कि F नेट इक्वल टू M इंटू ए। तो यहाँ से हमको 3 इक्वल टू 100 इंटू ए मिल जाएगा और यहाँ पर ए की वैल्यू 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। दोस्तों अब हम संवेग संरक्षण के नियम को समझते हैं। इस नियम के अनुसार अगर किसी निकाय पर लगने वाला बाहरी बल 0 है तो उस निकाय का संवेग हमेशा के लिए संरक्षित रहेगा। जैसे अगर किसी निकाय में 3 कण M1, M2, M3 और उनके वेग क्रमशः V1, V2 और V3 हैं, तो उनका संवेग M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 एक कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक नियतांक के बराबर रहेगा यदि उस निकाय पर बाहरी बल 0 है। दोस्तों अब हम एक नई भौतिक राशि आवेग को समझते हैं। आवेग को हम तब ही ध्यान में लाते हैं जब एक बड़े परिमाण का बल एक छोटे अंतराल के लिए लगता है। उस परिस्थिति में आवेग का मान उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। और क्योंकि हम ये जानते हैं कि ∂P/∂t का मान बाह्य बल के बराबर होता है, तो यहाँ से हमको आवेग का मान F∗∂t होता है मिल जाएगा। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो जैसे जैसे उसके हाथों में गेंद आती है वैसे वैसे वो अपने हाथों को नीचे लेता जाता है। ऐसा क्यों करता है? यहाँ पर एक बड़े परिमाण का बल उसके हाथों में लग रहा है तो हम आवेग को कंसिडर कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर आवेग यानी कि संवेग में परिवर्तन तो नियत है, तो जैसे जैसे वो टाइम बढ़ाता जाएगा तो एफ का मान कम होता जाएगा, क्योंकि एफ आवेग अपॉन समय होता है। तो एफ कम होता जाएगा तो खिलाड़ी के हाथों में चोट कम लगेगी, तो इसी कारण वो अपने हाथों को नीचे लेता है। दोस्तों अब हम न्यूटन के गति का तृतीय नियम, जिसको क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से भी जानते हैं, को समझते हैं। इस नियम के अनुसार इस ब्रह्मांड में अकेला बल विद्यमान होता ही नहीं है, बल हमेशा युग्म में पाया जाता है। इसको थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दीवार को F1 बल से धक्का लगाता है, जिसको हम मान रहे हैं कि यह क्रिया बल है, क्रिया बल, तो वो दीवार उस व्यक्ति को वापस उसी बल के परिमाण से धक्का लगाएगी, लेकिन उसकी दिशा क्रिया बल के विपरीत होती है। यही क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। दोस्तों अब हम तृतीय नियम के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला, जब आप अपनी पुस्तक को टेबल पर रखते हैं तो वो स्थिर क्यों रह पाती है? दोस्तों पुस्तक पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिसका मान mg है। अतः पुस्तक टेबल पर एक नीचे की दिशा में बल लगाती है जिसका परिमाण mg है। अब तृतीय नियम के अनुसार टेबल भी पुस्तक पर ऊपर की दिशा में बल लगाएगी जिसका परिमाण भी mg के बराबर होगा। और चूंकि पुस्तक पर दो ही बल
कार्यरत हैं, जिनके परिमाण समान हैं लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए पुस्तक स्थिर रहती है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। रॉकेट नोदन में न्यूटन के तृतीय नियम का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, रॉकेट से जो हवा निकलती है उसके कारण वायुमंडल पर बल लगता है। अब तृतीय नियम के अनुसार वायुमंडल भी रॉकेट पर ऊपर की दिशा में बल लगाएगा और इसी बल के कारण रॉकेट ऊपर की तरफ गति करता है। दोस्तों, अब हम संवेग संरक्षण पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। जब कोई आदमी बंदूक को चलाता है तो उसको एक झटका लगता है, ऐसा क्यों होता है? माना कि बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल एम है और गोली का द्रव्यमान स्मॉल एम है और गोली का वेग वी टू है और बंदूक का वेग वी वन है। अगर हम इन दोनों को एक निकाय में माने तो प्रारंभिक अवस्था में दोनों का वेग जीरो था, तो प्रारंभिक अवस्था में उनका संवेग जीरो होगा। अब गोली चलाते समय भी इन पे बाहरी बल जीरो है, तो इसके कारण हम संवेग संरक्षण का नियम लगा सकते हैं। तो अगर अंतिम वेग v1 और v2 है तो कैपिटल M इंटू v1 प्लस स्मॉल M इंटू v2 का मान जीरो होना चाहिए और यहां से v1 का मान माइनस M अपॉन कैपिटल M इंटू v2 मिल जाएगा। अब चूंकि गोली चलाते समय बंदूक को पीछे की दिशा में कुछ वेग मिल रहा है तो आदमी को झटका तो लगेगा ही। दोस्तों, निम्न चित्र के अनुसार स्प्रिंग में तनाव कितना होगा यदि द्रव्यमान m स्थिर है? दोस्तों, अगर द्रव्यमान m स्थिर है तो यह बात तो पक्की है कि उस पर कुल बाहरी बल जीरो होगा। दोस्तों, द्रव्यमान m पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिसका मान mg है। अब यह बल वो स्प्रिंग पर लगाएगा। तृतीय नियम के अनुसार स्प्रिंग भी द्रव्यमान m पर ऊपर की दिशा में बल लगाएगी। माना कि उसका परिमाण Fk है, अतः अगर द्रव्यमान m स्थिर है तो mg और Fk का मान बराबर होना चाहिए, अतः स्प्रिंग में तनाव mg के बराबर है। दोस्तों, अब आप निम्न क्वेश्चन करने का प्रयास करो। इन सभी क्वेश्चनों के हल वर्णन में दिए गए हैं। अंत में दोस्तों, मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके ही प्रेम के कारण हम नित्य न्यूतन वीडियो बनाने के लिए अग्रसर रहते हैं।